CWL's basic rule. What? एक मिनट, क्या मतलब? CWL का मतलब तो यही होता है ना कि इतने सारे बेसेस एनिमी के होते हैं, उनमें से किसी भी एक बेस को आपने सेलेक्ट करना है और सिंपली आपने अटैक कर देना। अब चाहे वो 3 स्टार हो या ना हो, ऐसा नहीं होता। एक वेल डिसिप्लिन क्लैन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर अ लीडर और को लीडर, तो तुम्हें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बाकी दूसरी चीज़ों को छोड़कर, क्योंकि CWL एक ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इफ़ यू वॉन्ट टू प्रमोट। तो गाइस, हमारी यहाँ पर वॉर सेट हुई भी है CWL, तुम लोग देख सकते हो। हमेशा की तरह हम लोग हमेशा नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो इस बारी भी नीचे से ही हम लोग यहाँ पर। तो गाइस, हम लोगों को करना है यहाँ पर अटैक। वार्डन हमारा यहाँ पर मतलब अभी अपग्रेड पर था, मैंने उसको छुड़ा लिया 163 जेम्स देकर। तो बेस हमारा कुछ यूं है, इस बेस पर करना है हम लोगों को अटैक। काफ़ी इंटरेस्टिंग बेस है, तो देख ही सकते हो तुम लोग। कॉर्नर हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे एजेस मिले हुए हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, इस बेस के पास हार्ट है। जिस बेस के पास हार्ट होता है, हम लोग वहाँ पर सिंपली ब्लीजर्ड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर कोर में मिल जाएंगी। CC में 35 की कुछ चीज़ ना कुछ ना कुछ उसमें है, 35 की भाई उसने CC भर के रखी हुई है। बाकी हम लोगों को 2 एक्सपो मिल जाएंगे, 1 इन्फर्नो भी हम लोगों को शायद मिल सकता है। भाई जो एयर स्वीपर है उसकी पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल दे सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्टली अटैक करेंगे। तुम लोगों को दिखाते हैं भाई ब्लीजर्ड किस तरह करा जाता है हार्ड बेस पर। तो हार्ट HEART, हार्ड नहीं। तो गाइस, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो अटैक हम लोगों ने स्टार्ट करना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे टाइम फील होता नहीं है कुछ इस पोजीशन में। मैंने यहाँ पर अपने हॉन्ट और अपने ब्लिम्प को डाला है कि भाई एयर स्वीपर जो है वो यहाँ पर ब्लिम्प को कैप्चर ना करे। तो सिंपली तुम लोग देख सकते हो, यहाँ हम लोगों ने फाड़ दिया है। इनविजिबिलिटी डालेंगे एवरी 4 सेकेंड, 2 क्लोन 1 रेज स्पेल हम लोग ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि हम लोगों को कोर मिल जाए। कमऑन, ओके गाइस, हम लोगों को आर्टिलरी मिल चुकी है, सबसे ज़्यादा खतरनाक एक्सबो, मेरा मतलब है इन्फर्नो मिल चुका है। एक्सबो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। टाउन हॉल निकले ना निकले कोई टेंशन नहीं, बिकॉज टाउन हॉल जो है एक्सप्लोजन वाला नहीं है, डेडली टाउन हॉल ही एक्सप्लोजन वाला होता है। बाकी हम लोगों को क्या ये वाला एयर डिफेंस भी मिल चुका है कम्प्लीटली। तो गाइस, अब तुम लोगों को यहाँ पर एक परफेक्ट पोजिशन चूज़ करनी है जिस पर तुम लोग चाहो 3 स्टार ईजिली निकल सकता है। वार्डन हमारा यहाँ पर मैक्स हो चुका है, 40 लेवल का हो चुका है टाउन हॉल 12 पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। इस पॉइंट पर तुम लोगों के पास एक भी स्पेल नहीं होगी अगर तुम लोग टाउन हॉल 12 से अटैक कर रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर 3 हुक्म के इक्के होंगे, एक होगी वार्डन की एबिलिटी और दूसरा होगा किंग और क्वीन की बेहतरीन पोजीशन। ऐसी जगह पर डिप्लॉय करना है जहाँ पर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर दोनों के दोनों इन्फर्नो थे। अब इन्फर्नो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ट्रुप्स को डैमेज पहुँचाते, मैंने उनको डिप्लॉय मतलब उनकी सिलेक्शन को चेंज करके यहाँ पर अपने हीरोज़ पर कर दिया और सिंपली हमारे यहाँ पर ड्रैगन्स उनको खा गए। यही होता है गाइस, तुम लोग भी इसी तरीके की स्ट्रेटजी बिल्ड किया करो और यही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अटैक को 3 स्टार करवाने के लिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर CWL की टिप्स एंड ट्रिक्स की। गाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पर तुम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार और मोहब्बत दिया, उसका तुम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और गाइस, जहाँ तक बात है PC गेम्स की, तो वो भी बहुत ही जल्द मेरे चैनल पर दोबारा से भाई मैं शुरू करने वाला हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया बिकॉज मैं चाहता था कि CWL में कुछ ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस इस बारी मेरे क्लैन की रही, बिकॉज पिछली बार मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं ऑनलाइन नहीं रहता था अपने क्लैश ऑफ क्लैंस में, तो PC गेम जाहिर सी बात है बना रहा था, तो इस वजह से मेरा क्लैन डिमोट हो गया था। इस बारी मैं नहीं चाहता कि मेरा क्लैन डिमोट हो, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा है क्लैश ऑफ क्लैंस मेरे चैनल का ऑफिशियल गेम है, ऑफिशियल गेम था और ऑफिशियल गेम ही रहेगा। तो CWL की टिप्स एंड ट्रिक्स एक और वीडियो लेकर आऊँगा तुम लोगों के लिए, Part 2 ज़रूर बनाऊंगा और इसी CWL में बनाऊंगा। तो गाइस, होप सो तुम लोगों को ये अटैक स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, ये टिप्स गाइडेंस तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो तुम लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा सकते हो और मेरे सब्सक्राइबर बन सकते हो। गाइस, हम लोगों की यहाँ पर 1 में 3 हो चुके हैं और एनिमी ने 2 में 3 मारा हुआ है। एनिमी भी कोई कम नहीं है, कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ शुरुआत हुई। यहाँ पर हम लोग नंबर 4 पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो गाइस, कैसी लगी तुम लोग को वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय।